खाने में हम बना रहे हैं आज परवल फ्राई मसाला वाला, और इसमें हमने डाला हुआ है प्याज। तो हम लोग आ गए हैं छत पे और बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी वाली है, देख सकते हैं बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और हम सभी आ चुके हैं नहाई नहाई करने के लिए, और क्रियांश है, क्रियांश के पापा, और क्रियांश तो पूरा एंजॉय कर रहा है। तो बगल वाले वहाँ पे भाभी लोग नहा रही थी, तो क्रियांश देख लिया, इतना तेजी से चिल्ला रहा था कि मुझे भी नहाना है। क्या बहुत खुश है क्रियांश, नहीं क्रियांश पापा के साथ नहीं नहीं कीजिए, ठीक है मम्मा जा लिए, बाय क्रियांश। क्रियांश वो बारिश, इन लोगों के डिमांड पे आ गया है बैट बॉल, तो अब ये लोग खेलने वाले हैं बैट बॉल। ये लीजिए क्रियांश, ये लो, ये मारो मारो। क्रियांश यहाँ पे खेल रहा है और मैं चल रही हूँ अब नीचे, क्रियांश को बैट बॉल ला के दे दिया मैंने, और बारिश इतनी अच्छी हो रही है ना, लेकिन अभी मैं नहा नहीं सकती क्योंकि अभी थोड़ा सा खाना बनाना है बचा हुआ है, तो खाना बनाएंगे, बाकी ये दोनों बाप बेटे अपना पूरा एंजॉय करो। एक दिन और आए थे हम लोग नहाने के लिए, लेकिन उस दिन बारिश ही नहीं हो रही थी। A few moments later. तो अभी आ गई मैं नीचे, और अभी जो आप बैट बॉल देख रहे थे क्रियांश खेल रहा था, उसको किया क्रियांश क्या फेंक दिया उस साइड, इधर पूरा थोड़ा खाली स्पेस है वहाँ पे फेंक दिया, और उसके पास जितना मुझे लगता है 4-5 बैट था, वो सारा बैट फेंक दिया, एक भी बैट नहीं बचा। और आ गई हूँ अब खाना बनाने के लिए, जल्दी से बनाती क्योंकि आज संडे है, तो आज आराम आराम से खाना बन रहा है और कोई काम तो है नहीं, तो खाना बनाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बन गया है, इधर भिंडी का भुजिया बना दिया गया है, इधर दाल बना हुआ है, और इधर हमने अनार काट के रखा हुआ है जिसको अच्छे से छील दूंगी, इधर पपीता है उसको भी छीलना है, बाकी इधर बनेगा नेनुआ की सब्जी, और इधर हमारी दीदी जो है काम करके जा रही है। भींगेगा नहीं, नहीं भींगेगा हमको दीदी, तो इधर से देख सकते हैं कितनी बारिश हुई है, और हमारी दीदी जो है भींगते भींगते जाएगी आज, नहीं दीदी बारिश में एकदम डांस करते जाएगी दीदी, तोड़ दी बार बार, छाता कितना आएगा फिर कोई बात नहीं है, जब हमेशा पानी, हमारा छाता पता नहीं किधर है, जब पानी में हमेशा भीगेगी ना तो वाटर प्रूफ हो जाएगा। तो दीदी जाएगी काम करने, बगल में ही वैसे यहीं पे घर है, नहीं जाएगी ज्यादा दूर तो नहीं है, यही बगल में है ना कोमांडी का घर, तो जाने वाली है, बाकी बारिश भी रुक गई है थोड़ी सी। The next day. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और आज पतिदेव माँ कोई भी नहीं है, सभी लोग चले गए हैं बाहर कुछ काम से, अर्जेंट कुछ काम आया था तो माँ चली गई वहाँ, तो पतिदेव गए उनको छोड़ने के लिए, बाकी मैं बना रही हूँ खाना, क्रियांश अभी तक सोया हुआ है। तो खाने में हम बना रहे हैं आज परवल फ्राई मसाला वाला, और इसमें हमने डाला हुआ है प्याज, और ये परवल का जो अंदर का रहता है ना उसको निकाल के इसमें मैंने डाल दिया, बाकी इसमें डाला हुआ है लहसुन ये वाला छील के, बाकी हमारी दीदी भी आ गई है, क्रियांश जो है आराम से अभी तक सोया हुआ है, अगर इसे वो उठाया नहीं जाए तो ये नहीं उठेगा, फिलहाल मैं इसको उठाऊँगी भी नहीं, 8:30 बज रहे हैं, नहीं तो ये उठेगा तो फिर कोई काम नहीं करने देगा, तो चलते हैं जल्दी से खाना बनाते हैं। प्याज लहसुन को भी हमने अच्छे से काट लिया है, अब इसको हम अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे, उसके बाद ग्राइंडर जार में डाल करके एक अच्छा सा पेस्ट बना कर करके तैयार कर लेंगे। तो मैं आ गई नीचे, और इसके बाद मैंने यहाँ गैस को किया ऑन, फटाफट मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई गर्म होते हैं उसमें डाला तेल, तेल डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी, हल्दी डालने से क्या होता है ना कि आपका जो फर्श होता है वो चिपचिपा सापन हो जाता है ना तेल लगने से, तो वो आपका ज़्यादा झांस वगैरह नहीं बनेगा और साफ रहेगा जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, तो इस वजह से मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर परवल को धो करके परवल को करूँगी फ्राई,
तो अच्छे से आप परवल को फ्राई कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं कि ये है हमारा परवल, और इसमें अभी मैंने नमक नहीं डाला। और उसके बाद यहाँ पे डैडी ने बोला कि चाय बना दो, तो घर पे कोई था नहीं, सिर्फ हम और डैडी थे, तो चाय बनाने के लिए चढ़ा दिया। हालाँकि यहाँ हमारे घर में 2-3 बार ज़रूर चाय बनता है, तो ये है बन रहा है हमारा इधर चाय। इधर मैं बना रही हूँ सब्जी, अभी तक रियान सोया हुआ था, तो मैं सोच रही थी जितना जल्दी काम निपट जाए उतना सही रहेगा। और आज किरियान से स्कूल भी नहीं जा पाया क्योंकि उसको छोड़ने के लिए कोई था नहीं। बाकी इधर देख सकते हैं ये रहा हमारा परवल, इसको थोड़ा सा और लाल करेंगे, जब अच्छे से लाल हो जाएगा तब हम इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इसके बाद मुझे करना है मसाला फ्राई। मसाला फ्राई जितना अच्छा होगा ना उतना सही रहेगा। तो उसी तेल में हमने थोड़ा सा डाल दिया जीरा, जीरा चटक जाएगा। फिर उसके बाद हमने डाल दिया ये मसाला जो कि हम ग्राइंड कर करके, बहुत आसान है बनाना और ज़्यादा कुछ लगता नहीं। फिर हमने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, हल्दी डालने के बाद अच्छे से किया मिक्स। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और इसके बाद मैं डाल दूंगी जीरा, जीरा पाउडर डाल दूंगी। बाकी अगर आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं आपका मन हो तो, मैंने भी थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा मसाला वाला मुझे नहीं बनाना है, नॉर्मल बनाना। और इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, आप आराम से बना सकता है कोई भी, और खाने में जो बहुत टेस्टी लगता है। मुझे बनाना आता नहीं था तो आज सुबह सुबह मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी आज खाने का मन कर रहा है कैसे बनाएंगे, तो मम्मी ने बताया। फिर ये देख सकते हैं हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने मसाला को निकाल करके पंखे की हवा के सामने रख दिया कि ठंडा होगा। बाकी इधर क्रियांश भी सो करके उठ चुका है, और जैसे उठा ना ऐसे वैसे ही इसको बिस्किट मिल गया, तो बिस्किट जो है इसको चाहिए होगा। तो इधर हमारा मसाला ठंडा हो गया, फिर मैंने इसमें एक एक करके डाल दिया। और ये जो मतलब आप खाओगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक एक करके मैंने सब में मसाला डाल दिया, और इसके बाद ये देख सकते हैं ये हमारा परवल फ्राई बनकर रेडी हो गया। आप में से कितने लोगों ने इस तरीके से बना के खाया है कमेंट में बताइएगा। ये ऐसे मेरी मम्मी बनाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने मम्मी की रेसिपी उनसे मांगी और खुद से बनाया फर्स्ट टाइम। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। 12 seconds later बारी आती है क्रियांश को खाना खिलाने की। बाकी यहाँ क्रियांश अपने टॉकिंग टॉम के साथ बिजी है, तो हमने क्रियांश को खाना खिलाया। बाकी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा वो खुद से भी ट्राई करे, खाना खाने सीखे, तो खाता कम है और ड्रामा थोड़ा ज़्यादा करता है। और ऐसे ही क्या मस्ती करते हुए क्रियांश ने खाना खा लिया, थोड़ा सा पहले अपने से खाया फिर मैंने खुद से उसको खिलाया। One eternity later. तो हमारा खाना पीना सब कुछ बन गया और मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और क्रियांश जो यहाँ पे खिड़की पे बैठ के उधर भाभी से बात कर रहा है। और आज खाना बनाना थोड़ा सा टफ था क्योंकि क्रियांश बार बार ऊपर भाग रहा था, लेकिन फाइनली हमारा खाना सारा कुछ बन गया अच्छे से। और क्या क्या बनाया मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। क्या कुछ बोलना है आपको, कुछ बोलना है? बोलो, मेरी मम्मी की वीडियो को लाइक करें, बोलो मम्मी की वीडियो को लाइक करें। आप लोग पूछ ही दे दो, एक सबको पूछ ही दे दो, एक पूछ ही दे दो सबको, एक दे दो 5 6 ये पढ़ के सुना रहा है 5 6 सबको पहले पूछ ही दे दो। अभी मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि मैंने सोचा 5-10 मिनट रेस्ट कर लूँ। खाना बनाने में नहीं थकी मैं, ये इतना भगाया है मुझे, इतना भगाया है कि भाग भाग के मेरा हालत खराब हो गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और अभी मैं आई हूँ तो ये मेरे पीठ पे चढ़ के तब टीवी देख रहा है। तो अभी मैंने थोड़ा सा टीवी ऑन कर दिया कि थोड़ा सा मैं रेस्ट करूं, फिर रूम वगैरह ठीक करूंगी, फिर क्रियांश को नहाऊंगी। क्रियांश को भी मैंने खाना खिला दिया है, बस अब क्रियांश को नहा के सुलाना है। ये क्रियांश जो है, क्रियांश सुन नहीं रहा हो? ए भैया सुन नहीं रहा मेरी बात? इधर देखो, कैमरे में देखो, कैमरे में देखो, क्या कर रहा है बोलो भैया? ये बच्चे जो है ना, 1 सेकेंड अगर आप छोड़ दो ना तो तबाही मचा देगा। मतलब ये देखो, बाप रे बाप, क्रियांश बहुत दर्द हो रहा है मम्मा को, ये देखिए ये देखिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपने से व्लॉग शूट किया है टोटल। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कमेंट अच्छा चाहे तो नेक्स्ट व्लॉग मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी।
और मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल के लिए बाय बाय क्रियांश, बाय 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 कर दीजिए, बाय।